Hi friends, how are you? I'm fine, I hope you are also fine. Come to the point, now we discussed about some imperative sentence. दोस्तों आज मैं कुछ imperative sentence का चर्चा करता हूँ जो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हद तक बोलने में मदद करेगी और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये वीडियो आपको पहले जो वीडियो आप देखें उसके अपेक्षा कुछ अलग पहचान इंग्लिश बोलने में आपको कराएगी। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज हम शुरू करेंगे जितना हम इम्पेरेटिव सेंटेंस से पहले पढ़े हैं उसी में थोड़ा थोड़ा अब बड़ा उसको हम करेंगे। जैसे देखिए बोलचाल के भाषा में हम कहते हैं अवश्य खाओ, बोलते हैं ना, अवश्य पढ़ो, अवश्य जाओ, अवश्य यह काम करो तो बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम इसको क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं, कहते हैं खाओ। खाओ का अंग्रेजी क्या होता है? ईट। अगर हम किसी को कहते हैं ईट, इसका मतलब क्या हो गया? हम उसको बोल रहे हैं खाओ। ओके, अब उसे कहते हैं अवश्य खाइए, तो अवश्य का यहां क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, ईट के पहले आप डू लगा दीजिए। हम यहां लगा देते हैं डू, यानी डू ईट। डू इट मीन्स होता है अवश्य खाइए। अब कहते हैं अवश्य पढ़िए, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डू रीड। अगर हम कहते हैं अवश्य पानी पीजिए, डू ड्रिंक वाटर। अवश्य दूध पीजिए, डू ड्रिंक मिल्क। अवश्य चाय पीजिए, डू टेक टी। अवश्य खाना खाइए, अवश्य खाना खाइए। तो इस तरह जब बोलते हैं तो डू इट फूड, तो इस तरह आप डू जब लगा देते हैं तो अवश्य उसका अर्थ हो जाता है। ओके, आरक्षण के खिलाफ अवश्य आवाज उठाइए, डू रेज योर वॉइस अगेंस्ट रिजर्वेशन। इस तरह आप बोल सकते हो, डू रेज योर वॉइस अगेंस्ट रिजर्वेशन। इसका हिंदी क्या हो गया? आरक्षण के खिलाफ अवश्य आवाज उठाइए। अब देखिए अवश्य जहां आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में लगाना रहेगा कुछ नहीं है, आप जितना अभी तक सेंटेंस सीखे कम से कम 100 से ऊपर तो हम बता दिए होंगे, उसके पहले आप डू लगा दीजिएगा तो अवश्य हो जाएगा। अवश्य जाओ, डू गो। ओके, अवश्य यह काम करो, डू डू दिस वर्क हो जाएगा। अवश्य यह काम करो, तो पहले यह काम करो का अंग्रेजी क्या होता है? डू दिस वर्क। डू दिस वर्क मीन्स क्या होता है? यह काम करो। अब कहते अवश्य यह काम करो, यानी डू के पहले एक और डू लगेगा क्योंकि ये डू यहां अवश्य का अर्थ देता है। ओके, डू डू दिस वर्क, यानी यह काम अवश्य करो। हैव यू एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम डू लगा देते हैं तो उसका अर्थ उसमें एक जुड़ जाता है अवश्य। ठीक, अवश्य मुझसे मिलना, डू मीट मी, यानी अवश्य मुझसे मिलना क्या हो जाएगा? डू मीट मी। जरूर आना, डू कम। जरूर आना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? डू कम। जरूर आना मतलब अवश्य आना, डू कम। ठीक है, गरीबों को अवश्य मदद करना, डू हेल्प द पुअर। गरीबों को अवश्य मदद करना, डू हेल्प द पुअर। ठीक, कोई दिक्कत? भ्रष्टाचार के खिलाफ अवश्य आवाज उठाना, डू रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन। इस तरह आप क्या कर सकते हो? बहुत सारे अंग्रेजी बोल सकते हो। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, और जो जिसको लिंक मेरी नहीं पहुंच रही है तो मैं उन दोस्तों को कहूंगा, मैं आज डिस्क्रिप्शन में YouTube WhatsApp का मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक के माध्यम से मेरे WhatsApp ग्रुप से भी जुड़ जाए जिससे आपको लिंक आसानी से किसी भी वीडियो का पहुंच जाएगा। ओके दोस्त, चलिए कम टू द पॉइंट, अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, एक बार बार हम बोलते हैं, एक वर्ड आता है मत, इंपेरेटिव सेंटेंस मत का प्रयोग बहुत होता है। वहां मत जाओ, वहां मत खेलो, धूप में मत खेलो, यहां मत आओ, वहां मत कोई काम करो, इस तरह हम लोग मत का प्रयोग बहुत करते हैं। देखिए, मत जब आता है तो उसका अंग्रेजी डोंट हो जाता है। बस जो आप अभी तक सीखे हैं उसके पीछे अगर आप डोंट लगा दीजिए तो अर्थ हो जाएगा मत। ओके, जैसे हम बोलते हैं सबसे पहले वर्ड चिंता मत करो, चिंता करना का वरी होता है, चिंता करो वरी, तो किसी को हम कहेंगे चिंता करो, हम उसको बोलते हैं चिंता मत करो। क्या बोलते हैं? चिंता मत करो, यानी चिंता मत करो, डोंट वरी। अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? डोंट वरी। डोंट वरी मीन्स होता है चिंता मत करो। ओके, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना डोंट वरी, आई एम विथ यू, चिंता मत कीजिए मैं आपके साथ हूं। ओके, तो डोंट का अर्थ क्या हो जाता है? मत। ठीक है, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, इस तरह बोलते हैं, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, डोंट एम्बैरस मी, डोंट एम्बैरस मी। एम्बैरस मीन्स होता है शर्मिंदा करना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? डोंट एम्बैरस मी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, कृपया मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, डोंट एम्बैरस मी प्लीज, बेतुकी बात मत करो, इस तरह भी हम बोलते हैं, बेतुकी बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। ठीक है, इस तरह आप यूज कर सकते हो, डोंट टॉक नॉनसेंस। देखिए, टॉक नॉनसेंस का प्रयोग हम पहले ही बता चुके हैं, इसलिए हम नहीं लिखते हैं, आप लोग इसको बोलिए मेरे साथ, डोंट टॉक नॉनसेंस। अब देखिए, हम कहते हैं गंदगी मत फैलाओ, तो फैलाना का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? स्प्रेड। क्या होता है? स्प्रेड। अब गंदगी मत फैलाओ, डोंट स्प्रेड फिल्थ, डोंट स्प्रेड फिल्थ, डोंट स्प्रेड फिल्थ मीन्स क्या होता है? गंदगी मत फैलाओ। कोई कंफ्यूजन? चलिए, फिल्थ की जगह आप गार्बेज भी दे सकते हैं, गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट, डोंट स्प्रेड गार्बेज, कूड़ा करकट मत फैलाओ। धूम्रपान मत करो, डोंट स्मोक, डोंट रहेगा ही, सिर्फ आपको क्या लगाना है? स्मोक। स्मोक मीन्स क्या होता है? धूम्रपान करना। सिगरेट मत पियो, डोंट स्मोक ए सिगरेट, डोंट स्मोक ए सिगरेट। सिगरेट का स्पेलिंग देख लीजिए, डोंट स्मोक ए सिगरेट, ए लगेगा, डोंट स्मोक ए सिगरेट, यानी सिगरेट मत पियो। ओके, अहिंसा के खिलाफ आवाज मत उठाओ, डोंट रेज योर वॉइस अगेंस्ट नॉन वायलेंस, इस तरह भी बोल सकते हो, डोंट रेज योर वॉइस अगेंस्ट नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मीन्स होता है अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है? अहिंसा। ओके, अगर हम उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, धूप में मत खेलो, बोलते हैं ना बच्चे को, जैसे अभी गर्मी का मौसम आ चुका है और धूप में बिना मतलब के खेलते रहता है, तो सबसे पहले मत खेलो, मत खेलो का अंग्रेजी क्या होगा? डोंट प्ले, डोंट प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना, मत खेलना, मत खेलो कहां? धूप में, इन द सन, इन द सन, सन मीन्स सूर्य भी होता है, सन मीन्स धूप भी होता है, डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो, धूप में क्रिकेट मत खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट इन द सन,
डोंट प्ले क्रिकेट इन द सन, धूप में फुटबॉल मत खेलो, डोंट प्ले फुटबॉल इन द सन, धूप में हॉकी मत खेलो, डोंट प्ले हॉकी इन द सन, धूप में मत दौड़ो, डोंट रन इन द सन, ओके, धूप में मत जाओ, डोंट गो इन द सन, धूप में मत टहलो, डोंट वॉक इन द सन, इस तरह बहुत सारे सेंटेंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट में लिखिए और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो ये हो गया, आप डोंट से बहुत सारे सेंटेंस का डिस्कशन कर सकते हो, कर सकते हैं दोस्त। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक इसी में आता है, डोंट के साथ नेवर का भी यूज होता है। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। कभी नहीं, नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। अब देखिए, जिस इंपेरेटिव सेंटेंस से कुछ नहीं, कभी नहीं, ये सब जब लगा रहता है, कुछ नहीं भी लगा रहता है कहीं कहीं, कुछ नहीं, तो आप वहां नेवर का यूज करिए, डोंट को हटा दीजिए और नेवर का यूज कर दीजिए। झूठ कभी नहीं बोलो, झूठ कभी नहीं बोलो, क्या हो जाएगा, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई मीन्स क्या होता है, झूठ कभी नहीं बोलो, ठीक है। धूप में कभी नहीं खेलो, नेवर प्ले इन द सन, मेरे साथ भी बोल सकते हैं, जब मैं बोलू हिंदी आप लोग अंग्रेजी बोलिए, ओके। धूप में क्रिकेट कभी नहीं खेलो, नेवर प्ले क्रिकेट इन द सन, ओके। इस तरह आप बहुत सारे अंग्रेजी क्या कर सकते हो, नेवर से भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए, एक और आता है बोलचाल पे, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, कहते हैं ना अपनी जुबान पर लगाम लगाओ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, माइंड योर टंग, क्या होता है, माइंड योर टंग, माइंड योर टंग, माइंड योर टंग। देखिए, माइंड योर टंग मीन्स हो जाता है अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, टंग की जगह आप वर्ड का भी यूज कर सकते हो, माइंड योर वर्ड या होल्ड योर वर्ड, होल्ड माइंड की जगह आप होल्ड का भी यूज कर सकते हो, होल्ड। कोई दिक्कत? बहुत सारे इंग्लिश बोलने वाले माइंड और होल्ड दोनों का यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जुबान पर लगाम लगाओ, माइंड योर टंग, या होल्ड योर टंग, या होल्ड योर वर्ड, या माइंड योर वर्ड, इस तरह आप बहुत सारे बोलते के समय में यूज वर्ड को कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन? चलिए दोस्तों, आज का स्ट्रक्चर, आज लगभग मैं कह रहा हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस आज मैं समाप्त कर रहा हूं, कल फिर नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए और बार बार रिविजन करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। जितने अगर स्टूडेंट्स देख रहे हो वो शेयर अवश्य कर लीजिएगा, अपने फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप पर हो, शेयर करने में पैसा नहीं लगता है, कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपके अपने दोस्तों को भी कुछ ना कुछ मदद हो जाए। ओके, थैंक यू, सी यू टुमोरो, बाय।